जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप एसएससी फेज 11 एमईएस 1070 पोस्ट के रिजल्ट का बेहतरीन तरीके से और दोस्तों बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है। लगातार दोस्तों आप एक स्क्रीन शॉट देख रहे होंगे जिसमें बोला गया है कि 2041 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उसकी लिस्ट भी है वो आपकी एसएससी एनआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। क्या इसकी सच्चाई है, क्या सही में रिजल्ट अपडेट है, वो एसएससी के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था, कंप्लीट जानकारी ऑफिशियली तरीके से दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजल्ट दोस्तों आपके जनवरी के लास्ट से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपने पिछले 3 से 4 दिन पहले नोटिस भी देखा होगा एमईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें दोस्तों बोला गया था कि दोस्तों इस भर्ती की ज्वाइनिंग भी मार्च मंथ में कंडक्ट करवाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती बहुत ज़्यादा है, 1070 पोस्ट पर वैकेंसी है। गवर्नमेंट कतई नहीं चाहेगी कि इस वैकेंसी को इलेक्शन के बाद कंडक्ट करवाया जाए। तो मिशन मोड के तहत इस भर्ती की ज्वाइनिंग है वो आपकी मार्च मंथ में है, वो कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो अब कंप्लीट जानकारी देखने के लिए दोस्तों हम खुद आ चुके हैं एसएससी जो एनआर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखिएगा, सारी चीज़ों का आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी कि नोटिस फेक है या सही है, आप खुद से चेक कर पाएंगे। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, आपको सिंपली टाइप करना है एसएससी एनआर और दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी। और उसको डेस्कटॉप में आप कर लेंगे तो यहाँ जैसे आप नीचे चलेंगे तो व्हाट्स न्यू आपको एक दिखेगा, जहाँ जितने भी आपके नोटिस आते हैं वो दोस्तों नोटिस यहाँ दिखते हैं। तो नोटिस को सही से देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं व्यू ऑल पर कर लेता हूँ। दोस्तों जब व्यू ऑल पर करता हूं तो उसके बाद जितने भी नोटिस अभी दोस्तों आए हैं, क्योंकि यहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल रात को है वो 29 जो जनवरी थी उसमें काफी नोटिस अपडेट हुए हैं। देख सकते हैं कि ये सारे नोटिस हैं वो कब आए हैं, ये सारे नोटिस दोस्तों कल रात को ही अपडेट हुए हैं। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि जो आपको नोटिफिकेशन में जो आपको स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी फेज 11 के बारे में मेंशन चीज़ें नहीं है। कुछ नोटिस फेज 11 के भी आए, परंतु उस नोटिस में क्या फ़र्क है। अब साथियों दोस्तों, मैं उस नोटिस पर आ चुका हूं जहां आपकी है क्लियरली मेंशन है टेंटेटिव ईक्यू एक्सेप्टेंस लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023। तो ऐसा आपको इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर ये नोटिस, ये जो स्क्रीनशॉट है फेक है। मैं इसी को आपको कंप्लीट, यही नोटिस आप सेकेंड वाली जैसा कि आप ऊपर देखेंगे तो टेंटेटिव ईक्यू एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ 2041 कैंडिडेट इन द रेस्पेक्ट ऑफ फिलिंग ऑफ द 1070 पोस्ट, जिसमें आपकी पोस्ट भी आगे मेंशन की गई, सारी जानकारी दी गई है, आपका यहां पोस्ट का कोड भी बताया गया है। और सेम इंटरफेरेंस में आपको दिखाता हूं अब ऑफिशियल वेबसाइट दूसरी दोस्तों, अगर आप देखेंगे लिस्ट है जिसमें टेंटेटिवली ईक्यू एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ द 254 कैंडिडेट, ये आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। अब दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ चुका हूं। यहां दोस्तों जो भी फेज 11 का कोई भी नोटिस है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं कि कोई भी, ये रहा फेज 11 का, ये दोस्तों कल ही आपका अपडेट हुआ है मान लीजिए, इस पर हम क्लिक करते हैं। जब दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे तो आगे जो सेम इंटरफेरेंस मैंने आपको दिखाया, वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट दिखाया, जो देख सकते हैं वही सेम इंटरफेरेंस है। नीचे जितनी भी पोस्ट आपको रिजल्ट मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, दोबारा भी दिखा दूंगा मैं, यहाँ सेम चीज़ें हैं। और दोस्तों जो पहला पॉइंट यहाँ दिख रहा है वही 254 पोस्ट के लिए दिख रहा है, जिसमें पोस्ट वगैरह सब कुछ लिखी गई है, सारी चीज़ें वही है। और मैंने एक बच्चे का, मेरे पास कॉल नहीं आया, मेरे पास कम से कम 5 से 7 बच्चों का कॉल आया, उन्होंने दोस्तों ये स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमने रात में चेक किया जब ये रिजल्ट अपडेट हुआ, और उस समय है तो जब हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो क्लिक करने पर क्या हो रहा था कि आपका है वो बार बार है वो चीज़ें यही हो रही है कि आपका साइट की वजह से है वो एरर आ रहा था और आगे वेबसाइट खुल नहीं पा रही थी, यानी वो जो लिस्ट है वो सही से डाउनलोड नहीं हो पा रही थी और डाउनलोड ही नहीं हो पाई। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया और दोस्तों चीज़ें हमने भी वेरीफाई की है कि आपके जो लिस्ट आप देख रहे हैं वो आज या कल में, हो सकता है आज ही आपकी अपडेट हो जाएगी। 2041 बच्चों को दोस्तों क्वालिफाई कर दिया गया है आपकी एमईएस के लिए, जिनका ट्रेड टेस्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। 1070 पोस्ट है, कंपटीशन साथियों देख सकते हैं कि कहां कंपटीशन है और कहां नहीं है, यानी 50% बच्चे हैं वो आपका सिलेक्शन लेके जाएंगे, बहुत कम मार्क्स भी हैं उनका भी सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने वाला है। तो इसके लिए आपको अब ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी।
साथियों ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में MES ड्राइवर के स्पेशल बैच शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको क्योंकि लगातार आपको एक चीज़ें देखने को मिल रही है कि सर इसमें क्या लॉन्ग ड्राइव होगी, तो दोस्तों लॉन्ग ड्राइव हो या ऑप्टिकल का नॉलेज हो दोनों की तैयारी हम आपको करवाएंगे, जिसमें हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है और साथ में हम ट्रेड टेस्ट की भी आपको तैयारी करवाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर साथियों देख सकते हैं, इन पर आप संपर्क कीजिए और जल्दी से आप आ जाइए, क्योंकि अभी कितना कंपटीशन है फिर बता दूं, 50-20 के बच्चे क्वालिफाई आपके होने हैं, यानी अगर 2000 बच्चों में से 1070 को नौकरी मिले तो इससे सस्ती और इससे इजी नौकरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो जल्दी से आप अपना सामान पैक कीजिए और अगर आपको हमारे साथ सही तैयारी करना लग रहा है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। बाकी कहीं ना कहीं अगर आपको तैयारी आपके आस पड़ोस में जहां आपको अच्छा लगे वहां निश्चित तौर पर आज से और अभी से तैयारी में जरूर जुट जाएगा, क्योंकि कहीं आपको ये ना हो कि लॉन्ग ड्राइव का है वो सोच के आप घर बैठे रहें, वहाँ एक सिंगल छोटा ऑप्टिकल भी मिल गया तो आप है वो बाहर हो जाएं, तो ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। एक छोटा सा टाइम पीरियड आपके पास जहाँ भी जितनी भी अच्छी से आप तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। और हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल है, वो NH52 भारतीय स्कूल के पास सीकर राजस्थान में है, जहां आकर आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी है वो हमारे साथ कर सकते हैं और निश्चित तौर पर अपना सिलेक्शन है वो MES ड्राइवर में पक्का कर सकते हैं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना तो आपको बाद में मिलेगी कि जिस पोस्ट के लिए 1070 पोस्ट में सिर्फ 2000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और उनमें से आपको 1070 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, अगर ठीक ठाक नंबर है ड्राइविंग कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन पाएंगे और आपकी आने वाले समय यानी दोस्तों आने वाले 1.5 से 2 महीने में ज्वाइनिंग आपके हाथ में होगी और आप 2024 की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो लग जाए जी जान तरीके से और दोस्तों मोस्ट वेलकम है आपका माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में। मिलेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, तब तक ले आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।